नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। नवगछिया जहानवी चौक से तेतरी दुर्गा स्थान जाने वाली 14 नंबर सड़क पर गरैया गांव के पास शनिवार की सुबह करीब 9 बजे अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने एक फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान LNT फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर पूर्णिया टीकापट्टी निवासी 30 वर्षीय नकुल कुमार पासवान के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि अपराधियों ने नकुल पर पीछे से गोली फायर किया जो उसकी पीठ और सीने की बाई और चालकी, जबकि मृतक के नाक और मुंह में भी खून निकलने के निशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रवक्ता पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया, जबकि पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने नकुल कुमार का शव परिजनों को सौंप दिया। इधर मामले को लेकर मृतक के पिता टीकापट्टी निवासी उमेश पासवान के लिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई, जबकि घटनास्थल से पुलिस ने मृतक की पल्सर मोटरसाइकिल, मोबाइल, एक पैर का जूता और एक खोखा भी बरामद किया है। वही फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और सड़क पर बिखरे खून के नमूने को एकत्रित कर जांच शुरू कर दी। इधर इस घटना की जानकारी मिलने पर नवगछिया SP शांत कुमार सरोज भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की पड़ताल करते हुए मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों से सघन पूछताछ की और टावर लोकेशन के आधार पर घटनास्थल पर मौजूद मोबाइल नंबरों का सत्यापन करने का निर्देश दिया। इसके बाद SP ने ग्रामीण बैंक पहुंचकर वहां लगे CCTV कैमरे के रिकॉर्ड को देखा, जिसमें सुबह 9 बजे के करीब ग्रामीण बैंक के पास दो मोटरसाइकिल को जहानवी चौक की ओर जाते हुए देखा गया है। मामले को लेकर SP ने कहा कि CCTV में दिख रहे दो में से एक मोटरसाइकिल पर 4 युवक सवार दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी बाइक पर 2 युवक सवार थे। SP ने इन दोनों बाइक पर सवार लोगों द्वारा लूट की घटना के प्रयास में हत्याकांड को अंजाम देने की आशंका जताते हुए कहा कि वीडियो फुटेज को भागलपुर, नवगछिया और अन्य सीमावर्ती जिले में सत्यापन के लिए भेजा गया है और जल्द ही इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना हुआ है कि आज सुबह ही निकले, बैंक में ड्यूटी करते थे, LNT बैंक में, तो ये अपना कलेक्शन करके जा रहे थे अपने रूम पे जहाँ जॉब करते हैं, वहीं जा रहे थे। रास्ते में पैसा उसको देखा, तो किसी ने देखा कि इसके पास पैसा है तो पीछे से गोली चला दी, तो मौके पर ही मौत हो गई। उनकी मौत हुई है नकुल पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं? टीकापट्टी के। गाड़ी लेके आया, हाँ, दो सवार व्यक्ति, और उधरे से जिसको मारा गोली उधरे से आया, हाँ। बाइक का चिन्ह है, उधरे से आया यहाँ तक में गिर गया, हाँ। कॉलोनी आते आते वो गिर गया, उधर से आ रहा था, दो बार फायरिंग मारा, उधर रिटर्निंग भाग गया हुआ। इधर जगतपुर के छोटी प्रवक्ता, हाँ, पब्लिक क्या बोल रही है सर? अभी लोग को ये स्पष्ट बात नहीं बता रहा है कि हम लोग ये देखे नहीं है, लेकिन हम लोग अपना जांच में जुटे हुए हैं, स्पष्ट जब पता चलेगा उसके बाद। राजद के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने ब्राह्मणों को लेकर एक बड़ी विवादित टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक भी ब्राह्मण भारत देश के नहीं है, बल्कि सभी ब्राह्मण रूस से भागकर भारत आए हुए हैं। राजद नेता यही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण हम सबों के बीच फूट डालने का काम करते हैं। इसके बाद पूर्व विधायक ने कहा कि ब्राह्मणों के DNA का टेस्ट किया गया है, जिसमें साफ तौर पर पुष्टि हुई है कि ब्राह्मण रशियन मूल के हैं और सभी ब्राह्मण रूस से भागकर भारत आए हुए हैं। वहीं राजद नेता के इस विवादित बयान पर ब्राह्मणों के साथ पूरे राजनीतिक हलकों में भी भूचाल आ गया, जिसके बाद प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया। इधर ब्राह्मणों पर की गई इस विवादित टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने ब्राह्मणों की गरिमा के खिलाफ कुछ भी बोलना सही नहीं होगा और जो लोग भी ऐसा बोलते हैं वे पागल हो गए हैं। वहीं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का निरीक्षण करने भागलपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि राजद के सभी लोग पागल हो गए हैं और कोई रामचरितमानस के बारे में गलत बोलता है तो कभी ब्राह्मण को रूस से भागकर भारत आने की बात कहते हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजद के कुछ लोग पढ़ लिख कर मूर्ख बने हुए हैं, इसलिए मूर्खों वाली बात करते हैं, जबकि जातिवाद और संप्रदायवाद को बढ़ावा देकर जंगल राज के पर्याय राजद की गोद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। साथ ही कहा कि राजद वालों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस कदर अपने चंगुल में रखा हुआ है कि वह इस तरह का विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री पर कोई कार्रवाई तक नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अश्विनी चौबे ने कहा कि जो लोग पूरी तरह से जातिवाद, संप्रदायवाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के दलदल में डूबे हुए हों वही लोग ऐसी बात करते हैं। अरे जो पागल हो जाए, कोई उनके RJD में कोई रामचरितमानस के बारे में बोलता है,
तो ये पागलपन का मूढ़ मूर्ख जो होते हैं पढ़ लिख करके मूर्ख, ये मूर्ख का ही लक्षण है। और आरजेडी में ये जातिवाद संप्रदायवाद और जिसके गोद में जंगल राज के गोद में नीतीश कुमार बैठे हैं, और नीतीश कुमार ऐसे मंत्री पर कार्रवाई तक नहीं किया जबकि देश और दुनिया ने तमाम संतों ने तमाम आचार्यों ने इसको पूरी तरह से गलत ठहरा है कि किस प्रकार से रामायण का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, रामायण का अपमान, रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जिस रामचरितमानस पर आज लाखों करोड़ों लोग, हम कह सकते हैं कि भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था है, राम केवल एक जाति धर्म का नहीं संपूर्ण मानव के कह सकते हैं मानव के लिए रामचरितमानस अपने आप में एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बिहार के पटना नौबतपुर के तरेत गांव में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर तरेत गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि कोई माई का लाल बिहार में अभी तक पैदा नहीं हुआ है जो तरेत में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को रोक सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो भी इस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश करेगा उसका नाश हो जाएगा। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार की नीतीश सरकार को तुष्टिकरण वाली सरकार बताते हुए मुसलमानों की गोद में जा बैठने की बात कही। इससे पूर्व नौबतपुर के तरेत गांव पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री का गांव के लोगों ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद गिरिराज सिंह मोटरसाइकिल से राघवेंद्र सरकार मठ पहुंचे और मठ के अंदर राम जानकी मंदिर में दंडवत प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। राघवेंद्र सरकार मठ में केंद्रीय मंत्री ने मठ के महंत सुदर्शनाचार्य से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद सुदर्शनाचार्य जी ने उन्हें भागवत गीता देकर सम्मानित किया। इधर केंद्रीय मंत्री ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईद के नमाज के लिए गांधी मैदान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और बिहार सरकार के इशारे पर पटना की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलेआम गाली दी जाती है, लेकिन नीतीश सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार सरकार लगातार सनातन धर्म के खिलाफ काम कर रही है और यहाँ PFI जैसे संगठन योजना बनाकर भारत को 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने की योजना पर काम करते हैं, लेकिन नीतीश सरकार इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस दिन भगवान राम और हनुमान की सेना जाग जाएगी उस दिन इस तरह से विरोध करने वालों का खुद नाश हो जाएगा। बिहार सरकार ने ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति ला दी कि आयोजक गांधी मैदान में करना चाहते थे लेकिन ये तुष्टिकरण की सरकार वहां ईद का मजमा लगे हमें कोई एतराज नहीं। ईद के नवाज के बाद मोदी जी को गाली दी जाए, ये सरकार के द्वारा ये काम करवाया गया, लेकिन बागेश्वर महाराज को सनातन धर्म की प्रचार करने का इजाजत नहीं। ये कौन सी सरकार है? ये सरकार तुष्टिकरण की सरकार है। ये PFI फुलवारी शरीफ में योजना बनावे कि बिहार सहित देश को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, उसके लिए संरक्षण दे, लेकिन हिंदू धर्म के लिए गांधी मैदान में जगह नहीं है। आयोजक ने त्रेतपाली महाराज को, यहाँ के स्वामी जी को आग्रह किया और आज स्वामी जी ने पूरी सैकड़ों एकड़ जमीन इस कार्य के लिए दे दी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट के अंतर्गत होने वाले रेगुलर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें भागलपुर JS एजुकेशन के 10 छात्र छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है। वहीं निफ्ट में नामांकन के लिए हुए इस टेस्ट में भागलपुर से 9 छात्राओं के साथ एक छात्र ने बाजी मारी है। इधर JS एजुकेशन के संस्थापक राजीव कांत मिश्रा ने छात्र छात्राओं की सफलता पर मिठाइयाँ खिलाकर सभी
छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। राजीव कांत मिश्रा ने कहा कि यह परिणाम बच्चों की कड़ी मेहनत से हासिल हो सका है, जबकि उन्होंने बहुत छोटे स्तर से निफ्ट के पढ़ाई की शुरुआत की थी, लेकिन कड़ी मेहनत और लगन के कारण इस बार 10 छात्र छात्राओं का चयन हुआ है, जो काफ़ी सराहनीय प्रयास है। साथ ही उन्होंने बताया कि जब से संस्थान की शुरुआत हुई है तब से अब तक यहाँ के 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने निफ्ट में नामांकन के लिए अपना चयन सुनिश्चित किया है, जबकि कई बच्चों ने बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना परचम लहराया है। 10 बच्चों ने निफ्ट क्वालिफाई किया है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले 22 सालों से निफ्ट की तैयारी करा रहे हैं और लगातार हम लोगों का रिजल्ट अच्छा होता जा रहा है। सिर्फ कोरोना काल के दौरान हम लोगों को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर धीरे धीरे देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर में उत्साह आ रहा है। निफ्ट के माध्यम से बच्चे जैसी जगह पर जाते हैं उससे सिर्फ उनका ही आत्मविश्वास नहीं बढ़ता, उससे उनके परिवार का, समाज का, हमारे शहर का और बिहार का काफ़ी नाम ऊंचा हो रहा है। क्योंकि आज के बच्चे जो निफ्ट के माध्यम से या NID के माध्यम से बाहर गए हैं, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे ऐसे जगह पर काम कर रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप अगर नाम सुने तो आज फ्लिपकार्ट का नाम लीजिए, अमेज़न का नाम लीजिए, आप किसी का भी ऐसे जगह का नाम लीजिए, आप रेमंड्स का नाम लीजिए, जितने बड़े बड़े फैशन हाउसेज हैं उसका नाम लीजिए, आप VIP का नाम लीजिए, आप ज्वेलरी में कहीं का भी नाम ले लीजिए, वो हर जगह हमारे बच्चे और भागलपुर के निफ्ट के JS एजुकेशन से निकले बच्चे आज अपना नाम रोशन कर रहे हैं। पहले मुझे JS एजुकेशन के बारे में पता नहीं था, फिर मैं भागलपुर आई तो पता चला कि JS एजुकेशन है यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो निफ्ट की तैयारी करवाती है, तो मैं यहाँ आई निफ्ट की तैयारी करने, क्योंकि मुझे पहले से ही निफ्ट करना था, बहुत पहले से था मेरा फैशन डिज़ाइनिंग का, ड्रेस डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट था, इसलिए तो राजीव सर के बारे में पता चला कि बहुत अच्छा तैयारी करवाते हैं, इसलिए फिर यहाँ आए। गोल क्या है? FD का है कि फैशन डिज़ाइनिंग मिले, ड्रेस डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र की ओर से शनिवार को भागलपुर समाहरणालय परिसर में अपनी मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने कहा कि हर कार्यक्रम एवं त्यौहार में उन सभी की ड्यूटी लगाई जाती है और वे लोग रात्रि प्रहरी के रूप में भी कार्य करते हैं, लेकिन इसके लिए उन लोगों को लाठी, टॉर्च, वर्दी और टोपी भी मुहैया नहीं कराई जाती है, जिसकी मांग वो सभी कई बार कर चुके हैं। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कहा कि अभी तक विभाग द्वारा उन लोगों की मांगें पूरी नहीं की गई है, जिसको लेकर फिर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही कहा कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नौकरी में उन लोगों को अस्थायी जगह दी जाए और जीवन सुरक्षा बीमा का लाभ भी उन लोगों को दिया जाए। ग्राम रक्षा दल और पुलिस मित्र ने कहा कि बिहार विधानसभा में उठाए जा रहे समायोजन, अस्थायी नियुक्ति एवं मानदेय के दायरे में उन लोगों को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन में प्रांतीय अध्यक्ष सिकंदर पासवान, वीरेंद्र कुमार दास समेत काफी संख्या में ग्राम रक्षा दल से पुलिस मित्र के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिवसीय धरना है, धरना का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों का लाठी, टॉर्च, वर्दी का वरीय उप समर्थक के यहाँ से आदेश हो चुका है, होने के बाद अंचलाधिकारी के पास गया, अभी तक हम लोगों को लाठी, टॉर्च, वर्दी का मुहैया नहीं कराया गया है। हम लोग 2007 से लगातार आज तक हम लोग पुलिस मित्र के रूप में, ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। जैसे हम लोगों का है कि शराबबंदी, जुआबंदी, बालू माफिया, बाल विवाह, COVID-19 जैसे महामारी एवं मानव श्रृंखला का कार्य करते आ रहे हैं। जैसे रात्रि प्रहरी भी कार्य में हम लोग करते आ रहे हैं सक्रिय रूप से। हम लोगों का जिस तरह से विधानसभा में माननीय राजेश कुमार राम ने जो विधानसभा में बात रखा है, उन लोगों का हम लोग बहुत आभारी हैं जिन्होंने कि हम लोगों का आवाज़ बिहार विधानसभा में रखा है। सरकार बार बार आश्वासन दे रहा है, जिलाधिकारी से हमारी मांग है कि हम लोगों को लाठी, टॉर्च, वर्दी दिया जाए ताकि अलग से हम लोगों को कार्य करने में सहूलियत हो। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV।
विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा, स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत महेशी पंचायत के दास टोला गांव में महादलित परिवारों के 14 बीघा जमीन पर भू माफिया द्वारा अवैध रूप से मिट्टी खनन कर फोरलेन के लिए मिट्टी बेचने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले को लेकर महादलित परिवार के कंगली दास ने बताया कि 14 बीघा हथियानी जमीन पर करीब 150 महादलित परिवार रहते हैं, जो 1905 ईस्वी में उनके दादा के नाम से है और अंचल द्वारा 1977-78 तक रसीद कटा है। कंगली दास ने बताया कि सर्वे में जमीन राम जानकी के नाम से हो गई है, जिसके टाइटल सूट का मामला कोर्ट में चल रहा है। साथ ही कहा कि इसके बावजूद गांव के दबंग अशोक चौधरी, सुधीर चौधरी, विनोद चौधरी और निर्मल चौधरी के द्वारा अंचल एवं थाना को अपने साथ मिलाकर उसकी जमीन पर से अवैध मिट्टी खनन कर फोरलेन के ठेकेदारों को बेचा जा रहा है। कंगली दास ने बताया कि इस मामले को लेकर थाना एवं अंचल में लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहीं अंचल अधिकारी का कहना है कि अवैध मिट्टी खनन की भरपाई कर दी जाएगी, जबकि महादलित परिवार के लोगों का कहना है कि अगर पदाधिकारियों द्वारा जल्द ही इस अवैध मिट्टी खनन पर कार्यवाही नहीं की गई तो वे बड़े पदाधिकारी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक भी अपनी बात पहुंचाएंगे और इस तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले पदाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग करेंगे। वहीं इसको लेकर विरोध करने वालों में महादलित परिवार के तुलसीदास, गोपाल दास, योगेंद्र दास, अहिल्या देवी और मंजू देवी सहित काफी संख्या में महादलित परिवार के लोग मौजूद थे। 7-10 एकड़ जमीन है मेरा। कितना बीघा है? 14 बीघा जमीन है। कितना परिवार है आप लोग? हम लोग कम से कम 150 परिवार की अथी में है। जी जी, आबादी में है। इस जमीन में क्या हुआ? यह जमीन जलसाजी से यह अपना सर्वे करा लिया है अशोक कुमार चौधरी ने, अपने बाबा के नाम से करवा कर करके राम जानकी के नाम से टेस्ट बोर्ड में दे दिया गया था, जिसमें कि वो बोला था कि टेस्ट बोर्ड से हम तोड़वा कर करके आप लोगों को मैंने रजिस्ट्री करवा देंगे। वो अभी नहीं किया, जलसाजी से या मिट्टी को काट कर करके बेच रहा है बलजोबड़ी मेरा। अब हम लोग आपका जो जमीन है वो सर्वे में चढ़ चुका है जी, इसके लिए आप कहाँ गए? क्या कहाँ गए? न्यायालय में गए आप? न्यायालय में गए हम, न्यायालय कोर्ट में गए। वहाँ मेरा अथी केस चल रहा है। कौन सा टाइटल चल रहा है? कब से चल रहा है? 1-3 से चल रहा है। 14 बीघा है। हाँ। आप लोग का जीवन यापन इसी से होता है? हाँ। तो कैसे अब होगा? कैसे होगा तब सगड़े गरीब आदमी छे बाबू, हमारे उनका करना छे 50 सालों से कम आवे खा रही अखनी है बाबी का। अब जो अथी ब्राह्मण सब वो दाबी धरलक है कि हमरो जमीन छे, वहाँ सब करवाही करी बलजोड़ी बकरी तो सब करे छे। तो इस जमीन पे तो आप लोग खा पी रहे हैं अभी? हाँ, अभी खा पी रहे। देखिए अभी तो हमको पता चला, तो हम इस समाज में आए अनुसूचित जाति के, जो अवैध रूप से यहाँ मिट्टी खनन का जो प्रोग्राम चल रहा है, तो हमने तत्काल थानेदार साहब से बात किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा है कि पेपर भेजिए, अगर सही लीगल है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे और ये अवैध खनन नहीं होगा, जब उस जमीन पे काम नहीं हो सकता है। तो उस जमीन पे कैसे काम किया जा रहा है? ये कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैंने सीओ साहब से भी ये बातें रखी तो उन्होंने कहा कि अगर उनकी रैयती जमीन है तो आप भेजिए, हम उन पर जरूर सुनवाई करेंगे।
बिहार सरकार की लघु सिंचाई मंत्री जयंत राज महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंचे, जहां मंत्री ने जदयू के वरिष्ठ नेता रहे दिवंगत बबुआ नंदन सिंह के आवास पर जाकर उनके घर वालों से मुलाकात की और शोक संवेदना प्रकट किया। इस दौरान लघु सिंचाई मंत्री जयंत राज ने बबुआ नंदन सिंह के पुत्र से बातचीत कर कई तरह की जानकारी ली और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े होने की बात कही। वहीं सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, जदयू महादलित आयोग के पूर्व सदस्य संजय राम, जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, जदयू नेता शिशुपाल भारती, समय शाहकुंड एवं सुल्तानगंज से महागठबंधन के कई नेताओं ने दिवंगत जदयू नेता बबुआ नंदन सिंह के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इससे पूर्व सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने लघु सिंचाई मंत्री का अपने आवास पर फूलमाला एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। वही दिवंगत जदयू नेता के परिजनों से मिलने के बाद मंत्री जयंत राज ने कहा कि जदयू के वरिष्ठ नेता बबुआ नंदन सिंह का निधन परिवार के साथ पार्टी की बड़ी क्षति है और इस खबर के मिलते ही उन्होंने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देकर उनके परिवार वालों से मुलाकात कर संतावना दिया है। इधर मंत्री ने कहा कि गंगा पंप नहर योजना में हो रही परेशानी को जल्द दूर कर लेने की बात कही, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा तत्काल जाति जनगणना पर रोक लगाने के सवाल पर मंत्री जयंत राज ने इसका जिम्मेवार केंद्र सरकार को बताया। साथ ही कहा कि कोर्ट बहुत जल्द उन लोगों के पक्ष में निर्णय देगी और जाति गणना का कार्य पूरा होगा। इसके अलावा बागेश्वर धाम सरकार बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पटना के नौबतपुर आगमन को लेकर मंत्री जयंत राज ने कहा कि बाबा सभी के हैं, वे आए और अपना काम करें, लेकिन अगर उन्होंने हिंदू मुस्लिम कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया तो उन्हें बक्सा नहीं जाएगा। जातिगत गणना है, जातिगत जनगणना नहीं है। जातिगत जनगणना तो कराना केंद्र सरकार का काम है, लेकिन गणना चूँकि हम लोग करा रहे थे, आज से पहले भी देखे होंगे कि जिस समय नगर परिषद का चुनाव चल रहा था तो उसके भी आरक्षण को खत्म करने के लिए लोगों ने तरह तरह से प्रयास किया था। चूँकि अभी एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और न्यायिक प्रक्रिया में उसको तत्कालिक रोका गया है, लेकिन अंततः जातिगत गणना होगा, हम लोगों को आशा है कि वोट हम लोगों के पक्ष में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।